चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के बैनर तले व्यापारियों ने शुक्रवार को एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन को ज्ञापन सौंप कर व्यापारी नेता संजय सिंघानिया के ऊपर फर्जी आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व पीड़ित व्यापारी संजय सिंघानिया ने कहा, जल्दी से जल्ड हो जाए ताकि ऐसे वाले है ना, कहीं अभी सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हुआ है, गैंग पकड़ा गया उसके बाद कुछ सारे लगे हुए जी। वो जो है घटना हो रही थी जो आपका मुख्यमंत्री की आई जी आर एस पे द्वारा गलत आख्या की गई है, इल्जाम लगाए गए हैं, सब गलत हैं। आपके लड़के हैं काफी विभाग में नहीं प्रावधान होगा तो कहाँ देगा, विभाग में प्रावधान होगा तभी तो मिलेगा। अब आपके नहीं होगा चोरी की नहीं हो रही सर, व्यापारी पत्रकार ताले टूटे हैं, उस घटना का भी खुलासा कोतवाली राजघाट और साफ कराई है वो कौन से कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को आप ही पैसा दे देते हो कहते हैं तो पकड़ो, नहीं एक मामले में हो गया, दूसरे मामले में हम सतर्क नहीं होने पाया। सर ये की मतलब जो आपको दिखाया था उसी के संबंध में मैं ज्ञापन दे रहा है कि जो रिपोर्ट लगाई गई है हमारे पत्रकार को फेस करने की है, इसकी जांच की मांग है। क्लास हमारे पास नहीं है, पानी मिला नहीं, मैं पानी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और 13 जनवरी पूरे एक घटना बनती है जो इस्माइलपुर में होती है वो 92,000 एक जून को जो है सिद्धार्थ नगर के एक व्यापारी जितेंद्र वर्मा है उनका जो है 1,00,000 एक भी घटना का पर्दाफाश नहीं हो रहा है तो गलत रिपोर्ट जो है सीओ महोदय ने क्यों किया है। गुणवत्ता को बनाए रखें लेकिन सर ये क्या बात है, यही कारण है, यही कारण है सर जमीनी विवाद इसके कारण हमारे हमारी टीम से हमें बड़प्पन की बात नहीं कोई कमी के अवसर हमारा शहर है, मैं तो चाहूँगा ना सुंदर नहीं कर पाएगा, अच्छा तो है मगर कितना बढ़िया हो सकी लेकिन सर जैसे भारतीय मार्केट में वहाँ का प्रेसिडेंट दो टप्पेबाजी की घटनाएं हुई और दोनों के सीसी फुटेज प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं अधिकारी ने देखिए अभी जिस तरह से हमने शहर को बांटा है हमने बेसिकली उसको शहर पार्ट को टाइम जोन में रात बजे और दिन में जी रोगी रोगी जी अरुण के हाथ में जो शाम के मैं संजय सिंघानिया अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोरखपुर। यहाँ टप्पेबाजी की घटनाएं कई थाना क्षेत्रों में हुई हैं, कोतवाली तिवारीपुर राजघाट कैंट और उसके बाद कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोरी हुई है और व्यापारियों के साथ लूट हुई है, किसी का भी खुलासा कोतवाली तिवारीपुर राजघाट ने नहीं किया। इस मुद्दे को मैंने व्यापार बंधु के DM साहब के सामने और SP क्राइम साहब के सामने और SSP के सामने रखा था कि इस मामले को ट्रेस आउट करवाइए, खुलवाइए, कुछ नहीं हो रहा है कोतवाली में। और एक व्यापारी का साथ धोखाधड़ी होती है,
10 लाख रुपए का चेक बाउंस होकर आता है, उसके ऊपर FIR के लिए 6 तारीख को दिया जाता है। कोतवाल साहब आए दिन कहते हैं कि मैं अभी जांच करा के रिपोर्ट लिखवा रहा हूं, 6 तारीख से डेली वादा चल रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर निर्देश है कि आवश्यक कार्रवाई कर आख्या प्रस्तुत करिए। माननीय SSP साहब के यहाँ से, माननीय DM सबके यहाँ से, उच्च अधिकारियों से वहाँ गया हुआ है, परंतु IGRS पे जो गुणवत्ता और गलत आख्या प्रस्तुत की गई है और जो आख्या प्रस्तुत की गई है मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा। मैंने दावा किया है कि अगर एक भी जो आरोप लगाए गए हैं एक भी अगर सही हो जाए तो मैं अपना गला बीच चौराहे पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो।